आयरिश हेल्थ सर्विस कुछ मिलियंस ऑफ यूरोस को अपने आईटी सिस्टम्स को रिबिल्ड करने के लिए खर्च कर सकती है, क्योंकि फ्राइडे को एक साइबर क्राइम गैंग ने उन पर एक साइबर अटैक किया था। जीट्रॉन टेंजेंट प्लस V2 वायरलेस नेकबैंड स्टाइल हेडफोन्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं और इसके अंदर 220 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि क्लेम करते हैं कि 18 आवर्स का प्लेबैक देता है और 200 आवर्स का स्टैंड बाय। सैमसंग गलेक्सी A22 5G जल्द ही लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से सर्टिफाइड हो चुका है। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज है, वो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉज और रूल्स को वायलेट कर रही है। रियलमी वॉच 2 प्रो, बड्स वायरलेस 2 और पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर्स मलेशिया में 20 मई को लॉन्च होने वाले हैं। ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉन्च में डिले हो चुका है। OnePlus Nord CE 5G, जो कि OnePlus Nord N10 5G का सक्सेसर है, जिसे कि पहले OnePlus Nord N1 5G के नाम से कहा जा रहा था, वो जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। 2017 के बाद ट्विटर ने किसी भी अकाउंट को ब्लू टिक नहीं दिया, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अब ब्लू टिक मिलने वाली है और जितने भी क्रिएटर्स हैं वो वेरीफाई करके ब्लू टिक पा सकते हैं। पोको ने पोको M3 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस को टीज कर दिया है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी होगी, 90 Hz का डिस्प्ले, डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 48 MP ट्रिपल कैमरा। रेडमी नोट 8 2021, जो कि ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप की साइट पर लिस्ट हो चुका है, उससे ये पता चलता है कि ये 2019 के जो मॉडल है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। कैसियो GBA 900 जी शॉक फिटनेस ट्रैकिंग वॉच एक्सेलेरोमीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हो चुका है। सोनी एक्सपीरिया AS2 की कुछ पिक्स लीक हुई हैं, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर डोर रियर कैमरा होगा और इसका जो साइज है उससे पता चलता है कि इसके अंदर बड़ी बैटरी भी होगी। PS5 आज जैसे स्टॉक में है, उसके सारे के सारे स्टॉक्स कुछ ही सेकंड्स में बिक गए। आप कमेंट्स में बताइए किस किस को PS5 मिला है और कौन कौन लेना चाहता है। व्हाट्सएप की जो 15 मई की डेडलाइन थी, उसके बाद उसके जो राइवल्स हैं सिग्नल और टेलीग्राम, उन्होंने नियरली 1200% की ग्रोथ को अचीव किया है। असूस जेनफोन 8 और जेनफोन 8 फ्लिप इंडिया में असूस 8Z और 8Z फ्लिप के साथ लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया में जेनफोन को नहीं यूज़ कर सकते।